नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए शरीर की कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, शरीर में कोई भी पीड़ा हो, पुराने से पुराना दर्द हो, चेहरे का तेज चला गया हो, फोड़ा फुंसी हो, चेहरे में मुहासे हो, दांत खाज खुजली या गठिया वाद हो, कमर दर्द हो, कोड़ हो, सिर के बाल झड़ रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार की ये 36 प्रकार की बीमारी का एक तंत्र के हिसाब से ये उपाय है। एक बात आपको बता दूं, इसमें मैं महामृत्युंजय मंत्र का भी प्रयोग करूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मंत्र को। और जैसे कोई व्यक्ति ये करता है, स्वयं भी कर सकता है, किसी से करवा भी सकता है, तो पहले करना क्या है। हाँ, मैं कुछ नियम बता दूं, ये 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए नहीं है। 15 साल से जो छोटा है वो ये बिल्कुल ना करे, 15 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष ये कर सकता है। ये सभी के लिए 100% फायदा है। स्त्रियों के जितने भी रोग हैं उन सब में लाभकारी है। मैं आपको बताऊं, ये एक योग है, परीक्षित योग, यानी कि इसमें कुछ मैं आयुर्वेदिक की कुछ चीजें बताऊंगा, उनको आप करें और साथ ही साथ मंत्र भी करते रहेंगे तो तत्काल फायदा होता है। चलिए मैं बताता हूँ अब आपको क्या करना है। शरीर की समस्त अंगों को पुष्ट कर देता है, मतलब जो भी अंग आपका कमजोर है शरीर के अंदर बाहर किसी भी तरीके से, ये निश्चित पुष्ट कर देगा। क्या है इसमें करना, क्या है चीजें, क्या क्या लेंगे। 250 ग्राम पानी लेना है आपको और 250 ग्राम गेहूं का चोकर। चोकर क्या होता है, जो आटे को छानते हैं ना तो जो ऊपर का बच जाता है उसे चोकर कहते हैं। आटे के छन्नी में जो बचा हुआ है आटे का, वो उसे चोकर कहते हैं। तो 250 ग्राम पानी लेना है और 10 ग्राम गेहूं का चोकर लेना है, 5 ग्राम पीपल वृक्ष के पके हुए फलों का चूर्ण लेना है और 10 ग्राम शक्कर डालना है उसमें। जब ये और पकाएं इसे आप अग्नि में, तब तक तपाएं जब तक ये आधा ना रह जाए, अर्थात 250 ग्राम पानी था, ये सब चीजें मिला के जब वो 125 ग्राम पानी ना बचे, आधा रह जाए, मान के चलो ढाई गिलास पानी लिया हमने, तो 2.5 गिलास पानी लेने के बाद जब वो 1.5 गिलास या 1.25 गिलास ना बचे, तब तक हमने को इसे पकाना है। पकने के बाद इसे आप कांच की या कई स्टील के बर्तन में रख लें, है ना। 0.5 ग्राम इसमें आपको भस्म मिलाने हैं। भस्मी कैसा, उत्तम बंग की भस्म आती है ना, जैसे स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म, ये पंसारी की दुकानों पर मिल जाती है। उत्तम किस्म की भस्म मिल जाएगी आपको, बस इसमें और वो चीज मिला के सुबह शाम आप सेवन करें, खाली पेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मंगलवार से शुरू ना करें, मंगलवार दिन अच्छा नहीं होता। मंगलवार और शुक्रवार के अलावा किसी भी दिन से इसे स्टार्ट करें। और इसमें परहेज ये रहेगा, तेल गुड़ और खटाई नहीं खाना रहेगी, 40 दिन तक खाएं। कोई भी कैसी भी बीमारी, निश्चित फायदा होगा। चाहे शराब पीकर लीवर खराब हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, शरीर के हर अंग को पुष्ट कर देगा ये शारीरिक निर्बलता दूर कर देता है, मतलब जैसे नामर्दी, कमजोरी, जो भी जिस टाइप की आती, ये बिल्कुल 100% ये प्रभावकारी है, आजमाया हुआ, इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आती ही बात, ये आपने कर लिया, जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो अभी ये नहीं खा पा रहा, तो उसके लिए आप में महामृत्युंजय मंत्र जो नीचे दे रहा हूँ उसमें आप या आपके घर वाले कोई भी कर सकता है, तो फायदा निश्चित होगा। मृत्यु से यहाँ से भी व्यक्ति को वापस लौट आने वाली शक्ति महामृत्युंजय मंत्र बता रहा हूँ। साथ साथ ये खिलाएं पिलाएं और कोई भी रोग का 100% निदान पाएं। धन्यवाद। बाकी वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।